आराध्यदेव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। तो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। मी ह्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे आणि त्या दैवताचा पुतळा त्या पद्धतीने असा वर्षाच्या आत ह्या पद्धतीने ते नादुरुस्त होणं किंवा पडणं हे सगळ्यांना धक्का देणारी बाब आहे। चांगली गोष्ट आहे का महाराजांचा पुतळा पडला आणि हे करायला येतात? वहां जो हवा की तेज जो है लहर है जो यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वहाँ हवा तेज चली और वहाँ पर जो स्टेचू है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वो नेवी ने बनाया था, उसका डिजाइन भी नेवी ने किया था। ये दुर्भाग्यवश शिवाजी महाराज का स्टैचू गिर गया है। पूरी महाराष्ट्र की जनता हाथ हुई है जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के साथ जो मजाक भद्दा मजाक किया गया है। प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवाना था, एक बड़ा इवेंट करना था, इसलिए 3 साल जिस पुतले को बनाने में लग सकते थे उसको 6 महीने आपने करा दिया। जिस व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं है उसे शिल्प बनाने का ऑर्डर दिया गया, क्या टेंडर निकला था? क्या किसने टेंडर निकाला था? कितने पैसे मिले? कुछ खबरें आ रही है कि जो आप टेकर के जो जिसने स्टैच्यू बनाया है उसे शायद 25-26 लाख रुपए दिए गए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 38 करोड़ का खर्चा आया। तो ये सब बातें पारदर्शी रूप से लोगों के सामने आनी चाहिए।